गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं 19 जून 2019 के करंट अफेयर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने किस टीम के द्वारा बनाया गया 322 रनों का लक्ष्य हासिल कर विश्व कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज पूरा किया है। तो ये रन चेज पूरा किया है वेस्ट इंडीज ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बड़े सफल रन चेज का रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम है, जो उसने साल 2011 में इंग्लैंड द्वारा दिया गया 328 रनों का लक्ष्य हासिल कर बनाया था। और बांग्लादेश की तरफ से साकिब ने 99 गेंदों में 16 चौके की मदद से 124 रन की नाबाद पारी खेली थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बॉलीवुड एक्टर ने उत्तर प्रदेश में आंख की बीमारियों के बचाव को लेकर अभियान सी नाओ लॉन्च किया है। तो सी नाओ अभियान लॉन्च किया है अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। इसके तहत उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और सीतापुर शहरों में रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से आँखों के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। बतौर अमिताभ बच्चन जो है वो इस बचाव की जानकारी लोगों तक खुद देंगे। अभियान को द फ्रेंड हेलोज फाउंडेशन और विजन फाउंडेशन के नाम से जाना जा रहा है और विजन 2020 के साथ मिलकर इस अभियान को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के सिउचान प्रांत में आए 6.0 तीव्रता वाले भूकंप के कारण करीब 12 लोगों की मौत हो गई है। तो ये भूकंप आया है चीन में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। इसके नाम से ही पता लग गया, ठीक है, ऐसे ऐसे नाम तो चीन वाले ही रख सकते हैं। सिचुआन प्रांत, वहाँ की मीडिया ने कहा है करीब 1,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं इस भूकंप से और 10,000 इमारतों को नुकसान पहुँचा है। ये आया था मंगलवार की सुबह, 5.2 तीव्रता के झटके महसूस हुए थे और इसका जो भूकंप केंद्र है आपका वो चीन के CNS की एक जगह है, वहाँ पे भूकंप केंद्र है और वहाँ पे 28.34 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 104.90 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्तर पर 16 किलोमीटर के अंदर तक ये भूकंप फैला है। इसी इलाके में 2008 में भी भूकंप आया था 7.9 तीव्रता से, उसमें तकरीबन 87,000 लोगों की जान गई थी और कुछ तो लापता भी हुए थे उस टाइम। बात चीन की हुई है तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रिनमिनबे और चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है सी जिनपिंग। भारत और चीन की लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं, वो भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 1,000 अतिरिक्त विदेशी अधिकरणों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये मंजूरी दी है असम राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल ठीक होगा। विदेशी अधिनियम 1946 के तहत वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है विदेशी माना जाता है। यूनेस्को के अनुसार आमतौर पर ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी कहते हैं जो रोजगार के लिए अन्य देशों में बिना अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों के प्रवेश कर देते हैं। बात अगर असम की करें हम लोग तो असम की राजधानी है दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री है सर्वानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। अच्छा, असम का जब भी जिक्र आए तो इसमें एक माजुली द्वीप पड़ता है, याद रखिएगा माजुली द्वीप, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा नदी है, द्वीप है, याद रखिएगा। और ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रखिएगा, ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर द्वीप है। और बात करूँ मैं असम की तो असम में है एक सींग वाले गैंडे और उस पार्क का नाम है नेशनल पार्क है वो कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी तथा किस देश के वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम स्पेक्ट्रम रोंटजेन गामा नामक अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च करने की योजना बना रही है।
तो अभी हाल ही में जर्मनी और इसके साथ रूस की टीम जो है वो स्पेक्ट्रम रोंटजेन गामा नामक अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च करने की एक योजना बना रही है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक होगा। यह दूरबीन ब्रह्मांड की जो एक्सरे, त्रिआयामी एक्सरे होता है, कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है 3D, उसको उसका मानचित्र का निर्माण करेगी और अज्ञात विशालकाय जो डार्क होल है, जो होल्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनके रहस्य को सुलझाने की मदद करेगी। और इस दूरबीन को रूस निर्मित रॉकेट प्रोटोन एम के जरिए कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में उतारा जाएगा। बात हो रही है रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की करेंसी है रूबल, रूस के जो राष्ट्रपति उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुए थे वो भी रूस की राजधानी मॉस्को में हुए थे। 2022 के कहाँ होंगे? दोहा, दोहा में होंगे। दोहा कहाँ पड़ता है? कतर की राजधानी है दोहा, याद रखिएगा। अच्छा, 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप जीते किसने थे और हराया किसको था, कमेंट में लिख के बताइएगा आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। ये भीषण गर्मी के कारण 144 धारा जो लागू की है बिहार में की है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। बिहार में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है और अब तक 78 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अकेले औरंगाबाद में 47 लोगों की मौत हुई है और गया में गर्मी से इतनी ज़्यादा गर्मी है कि धारा 144 लागू की गई है। इसके कारण 22 जून तक बिहार में सभी स्कूल बंद, शिक्षा विभाग ने ये रिपोर्ट जो है वो जारी की है। और आपको याद होगा तो मैंने एक दो दिन पहले भी कहा था, एक दिमाग की बुखार जो है उसके कारण भी काफ़ी बच्चों की जान गई है। दिमाग की बुखार किस वजह से आया? गर्मी और उमस के कारण। तो बिहार के क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ रही है और उसका एक चमकी बुखार भी कल शायद मैंने आपको एक बताया होगा, वो भी एक गर्मी के कारण ही हो रहा है। बात हो रही है बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नीतीश कुमार, राज्यपाल है लालजी टंडन और बिहार का दुख एक नदी को कहते हैं, उस नदी का नाम है कोसी नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनए की द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत किस वर्ष तक विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा? तो भारत 2027 तक दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। अगले 8 साल में ही यानी कि 2027 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी बन जाएगी भारत की। ये यूएनओ की रिपोर्ट ने कहा है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019। 2019 से 2050 तक 27.30 करोड़ लोग बढ़ जाएंगे भारत में और अभी भारत की आबादी 137 करोड़ है, वहीं चीन की संख्या 143 करोड़ है। और यूएन की रिपोर्ट की माने तो इस सदी के अंत तक भारत की आबादी 150 करोड़ हो जाएगी, जबकि जनसंख्या को नियंत्रित करने की नीतियों के कारण चीन की आबादी 110 करोड़ पर ही रुक जाएगी। 2001 में भारत और चीन की जनसंख्या का अंतर था 23 करोड़ का और 2011 में ये अंतर घट के रह गया केवल 13 करोड़ का। और अगर आप यूं ही मेहनत करते रहे तो अब ये 2027 में, मुझे लगता है इससे भी पहले, इस डिपेंड ऑन मेहनत, दुनिया में नंबर वन हम ही होंगे। एक ही तो काम भारत को आता है, जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है 17 जून को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है। और इस दिवस की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पारित करके की गई थी। इस वर्ष की थीम है लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चयनित किया गया है? तो ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है JP नड्डा को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक है।
दिल्ली में बीजेपी संसद बोर्ड की अध्यक्ष में फैसला लिया गया है कि अमित शाह ने 5 साल तक पार्टी अध्यक्ष का दायित्व सफलतापूर्वक निभाया है। अब अमित शाह गृह मंत्री है, इसलिए उन्हें किसी और को उनकी जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए। और संसदीय बोर्ड ने यह तय किया है कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के लिए एनडीए द्वारा निम्नलिखित में से किसे लोकसभा स्पीकर के पद हेतु नामांकित किया गया है? तो अभी स्पीकर के पद हेतु ओम बिड़ला को नामांकित किया गया है, डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। लोकसभा अध्यक्ष बनने की रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, राधामोहन सिंह, रमापति राम त्रिपाठी और ए एस अलूवालिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल थे। ओम बिड़ला द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से लोकसभा स्पीकर चुना गया है और ओम बिड़ला राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर किसने जुर्माने लगाने की मंजूरी दे दी है? तो भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन्स ने जुर्माना लगाने की मंजूरी दी है। इन्होंने जो है वो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ गड़बड़ की थी उस वजह से। अगला क्वेश्चन है, 18 जून को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 18 जून को हर साल मनाया जाता है गोवा क्रांति दिवस, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक होगा। और अगला क्वेश्चन, आर ई बी आर के सर्वे के मुताबिक कौन सी कंपनी नौकरी के लिए भारतीयों की सबसे पसंदीदा कंपनी है? तो भारतीयों की सबसे पसंदीदा कंपनी है अमेज़न, ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, अमेज़न। चलिए आप मुझे कमेंट में अमेज़न के बारे में सब कुछ लिख के बताइएगा, कब स्थापना हुई थी इसकी, इसके अध्यक्ष कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इतने ही थे दोस्तों आज के हमारे करंट अफेयर, कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज ही से आपको हरियाणा के करंट अफेयर भी मैं देने वाला हूँ, ठीक है? तो एक वीडियो और होगा, आप चेक कर लीजिएगा अभी चैनल पे, हरियाणा करंट अफेयर, ठीक है? जब तक हरियाणा के पेपर नहीं हो जाते तब तक मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उन्हें मैं हर रोज़ आपको दूँ। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए।